मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देश भर के इन राज्यों में होगी बारिश। 21-22 अक्टूबर के दौरान एक ताजा पश्चिमी क्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते भी एक बार फिर से उत्तर भारत में बारिश देखने को मिल सकती है। 19 अक्टूबर को हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जो कि बारिश की गतिविधियां अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेंगी। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के कारण अब अगले एक दो दिनों के दौरान रात का तापमान राज्य में गिरेगा, जिससे कि प्रदेश में सर्दी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी राज्यों में 21-22 अक्टूबर से एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे कि राज्य में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। राज्य में 21 अक्टूबर की शाम से आसमान में बादल भी छाए रह सकते हैं। अगले एक दो दिनों के दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR में भी 21 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। इसी अवधि के दौरान उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पंजाब और हरियाणा राज्य में 21 से लेकर 23 अक्टूबर के दौरान कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में और भी गिरावट दर्ज होगी। दूसरी ओर दक्षिणी पूर्वी अरब सागर पर चक्रवाती प्रसंचरण के प्रभाव के कारण दक्षिणी पूर्वी और उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र भी बन गया है। अगले 10 से 12 घंटों के दौरान अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में भी बदल जाएगा। 21 अक्टूबर के आसपास मध्य अरब सागर के ऊपर एक डीप डिप्रेशन में और भी अधिक तीव्र होने की संभावना है। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे भी अंडमान सागर पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से भी 20 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। 18 अक्टूबर को दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम से जुड़ी जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।